राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत की जीत के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर में जश्न का माहौल है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से नव निर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने अपने 5 साल के कार्यकाल के विजन को साझा किया। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत की जीत के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर में खुशी का माहौल है। इस बीच मीडिया से खास बातचीत में अपने 5 साल के कार्यकाल के विजन को साझा किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कुपोषण मुक्त डूंगरपुर और भील प्रदेश की मांग को तेज करने की बात कही। इस दौरान उनके निवास पर जीत की बधाई देने के लिए भारी संख्या में लोगों की आवाजाही थी। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने अपनी जीत को लेकर कहा, क्षेत्र की जनता ने उनका दिल से साथ दिया, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा, पूर्व की पार्टियां इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा नहीं दे पाई, आरक्षण की पॉलिसी, संविधान के प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्र में किसी प्रकार का काम नहीं किया, सिर्फ आदिवासी जनता को बेकूफ बनाने का काम किया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का काम ठप सा है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। वहीं रोजगार के लिए लोग गुजरात पलायन करते हैं, उसे भी रोकने का काम किया जाएगा, यहां रोजगार दिलाने के आयाम होंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में कुपोषण की बड़ी समस्या है, जिसे भी रोकने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण पॉलिसी को इस क्षेत्र में क्लियर करने का काम किया जाएगा। वहीं संसद में भील प्रदेश की मांग उठाएंगे। भील प्रदेश की डिमांड को लेकर राजकुमार रोत ने कहा, वे और उनकी पार्टी भील प्रदेश की डिमांड लंबे समय से करते आए हैं। उन्होंने कहा, सांसद चुनने के बाद अब वे भील प्रदेश की डिमांड को संसद में उठाएंगे। वहीं इस मुहिम में सबको विश्वास व सबको साथ में लेकर भील प्रदेश राज्य बनाएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के घर पहुंची मीडिया की टीम। उनकी मां पार्वती देवी से जाना राजकुमार रोत के बारे में तो मां ने कहा, राजू बचपन से ही जिद्दी था, गांव आने तक का रास्ता कसा था, दोस्तों के साथ मिलकर पूरे रास्ते पर पत्थर बिछा दिए ताकि चलने में आमजन को आसानी रहे। राजकुमार रोत की मां पार्वती ने बताया, मैं चाहती थी कि राजू सरकारी नौकरी करे, राजू बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, राजू अच्छी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग जाए ताकि परिवार का पालन पोषण आराम से हो सके। राजू के बचपन से ही उनके पिता गुजर गए थे, राजू को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, हर परिस्थिति का सामना किया, साथ ही थी सरकारी नौकरी लग जाए लेकिन नसीब में कुछ और ही था, अब जनता की सेवा कर रहा है, 2 बार विधायक, अब सांसद बने, परिवार में खुशी का माहौल है, जनता दिल से साथी है क्योंकि जनता को विकास चाहिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर राजकुमार रोत की जीत के बाद मीडिया से उनकी विशेष बात, यहां पर कई परिस्थितियां बनी, कई कह सकते हैं धनबल जनबल मतलब बाहुबल हर प्रकार का उपयोग हुआ, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत को जिताना है। और जिस विजन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, इन विजन को आगे बढ़ाएंगे और अवश्य इस क्षेत्र में भौतिक विकास हो, हर प्रकार की जो समस्या जो आ रही है इस इलाके के अंदर, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। देखो वजह यह रही कि कई वजह रही, हालांकि मूल रूप से देखा जाए कि पूर्व में जो पार्टियां रही या पूर्व में हम कहे विशेषकर बीजेपी या कांग्रेस के जो पुराने लीडर रहे, उन लोगों ने यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा थी, यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, संवैधानिक जो प्रावधान है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य, इन लोगों इन चीजों पे उन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का, सिर्फ कुछ फ्री की योजना दे के वोट बैंक समझ के वोट लेके सत्ता में बैठे रहने का काम किया था, तो लोग समझने लगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत को जीत की बधाई जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें।